बड़ी खबर हम बता दें, आतंकी अर्षदीप दल्ला का सहयोगी जोरा को भी गिरफ्तार किया गया है। जिस तरीके से लगातार एनआईए की छापेमारी चल रही थी, पंजाब और 30 और राजस्थान में 13 जगहों पर छापेमारी की गई थी, 50 से ज्यादा जगह बताई जा रही है जहां आज एनआईए ने यह कार्रवाई की है। अब देखिए अपडेट ले लेते हैं और क्या कुछ अपडेट है। पहले ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आतंकी अर्षदीप का सहयोगी जोरा जो है उसे अरेस्ट किया गया है। फिरोजपुर से अर्षदीप का सहयोगी गिरफ्तार हुआ है, उसके साथ इसके लिंक जो है वो जुड़े हुए नजर आए थे, इनपुट्स मिले थे एनआईए को, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। असीम इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। असीम, अर्षदीप का यह सहयोगी जोरा, इसे गिरफ्तार किया गया है, इससे पहले भी हमने देखा था जो गैंगस्टर था गुरपंतवंत पन्नू, उसके कई ठिकानों पर छापा मारा था, संपत्ति को जब्त किया, तो लगातार ये एक्शन जारी है। अब किस तरीके से वहां पर कार्रवाई चल रही है, क्या अपडेट है? जी हाँ, जैसे एनआईए ने लगातार जो बैक टू बैक सर्चेज हैं और स्मैश करना चाहते हैं पूरे टेरर और नेटवर्क स्मगलर जो है, स्मगलर्स का और ड्रग गैंगस्टर्स का नेटवर्क है। सो आज पंजाब में कई जगह पे, फिरोजपुर, बठिंडा, फरीदकोट, मुक्तसर, कई जगह पे रेड्स हुए, साइमल्टेनियस रेड्स हुए अर्ली मॉर्निंग, जिन लोगों के भी तार जुड़े हैं गैंगस्टर्स के साथ या खालिस्तानियों के साथ। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं, जहां कोई मनी ट्रांजैक्शन भी हुआ है वो भी हुआ है। और फिरोजपुर में बड़ी चीज़ जो सामने आई, वहां पे क्योंकि अर्षदीप डल्ला को एसोसिएट जो एनआईए क्लेम कर रही है वो था यूनस उर्फ जोरा, जिसको वहां पे आज बुलाया गया था एनआईए की तरफ से चंडीगढ़, लेकिन आज एनआईए की टीम सुबह ही वहां पहुंच गई, उसको राउंड अप किया गया डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ। हालांकि उसकी फैमिली कहती है कि ये डेली वेजर है, लेकिन वो उनकी स्टोरी है, लेकिन एनआईए को एप्रीहेंशन था कि कोई सीरियस कोई कनेक्शन है इसके इस पूरे लिंक में, इसलिए उसको अरेस्ट करके वहां से फिरोजपुर से लेके गए हैं। सो आज ये पंजाब की बात नहीं है, जींद में देख लीजिए, हरियाणा में, रोहतक में देख लीजिए, कई जगह पे हरियाणा में, पंजाब में पूरा टेरर और जो ये गैंगस्टर्स का मॉड्यूल है इसको बर्स्ट करने के लिए ये बहुत ज्यादा एनआईए ने एक्टिविटी बढ़ाई है। आपको बता दूं कि एनआईए की जो चीफ लोग मैप दिखा रहे हैं, पंजाब और हरियाणा की बात कर लें तो कुल 34 जगहों पर एनआईए इस वक्त छापेमारी कर रही है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।